साथियों, सबसे पहले तो मैं जो देखकर प्रफुल्लित हुआ, रघुवंश सिंह जी को मैं कितना बधाई दूं, कितना धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आ रहा है। सड़क से गुजरता था तो लगता था कि कुछ जगह में ये विद्यालय बने होंगे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अंदर इतनी लंबी चौड़ी जमीन है। और डॉक्टर साहब जी कहते गए, उस बात की पुनरावृत्ति करने का मन मुझे भी कर रहा है, जो आप लोगों को भी आश्चर्य होता होगा कि एक भट्टेदार और शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए उसका मस्तिष्क बदल जाए, जब हम स्कूल चलाएंगे। वाह, स्कूल चलाने का दिमाग दूसरा होता है और भट्टा चलाने का दिमाग दूसरा होता है। इतनी तब्दीली आई उनके दिमाग में, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये विद्यालय के उद्घाटन का समारोह है। ये बच्चों ने जो प्रस्तुति दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहा गया है कि खंडहर बताती है कि इमारत बुलंद रही होगी। ये बच्चों की प्रस्तुति ने साबित कर दिया कि भले ही इस विद्यालय की शुरुआत हुई है, लेकिन निश्चित रूप से बच्चों में प्रतिभा है। और इसी के संदर्भ में, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा भी रहा हूं, जो अनुभव है कुछ है, मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो इसमें शिक्षक होंगे वो भली भांति इस बात को समझ लेंगे कि मेरा काम पढ़ाना नहीं है। लोग मानते हैं पढ़ाना, मैं इसे पढ़ाना नहीं मानता। पढ़ने के लिए तो बातें किताबों में भी है, बच्चे पढ़ लेंगे। जो शिक्षक होते हैं उनका काम होता है दिमाग में बैठाना, पढ़ाना नहीं होता। मैं जो समझता हूं, यानी अच्छे शिक्षक वे माने जाते हैं जो बच्चों को सरल ढंग से समझा देते हैं। मैं यहां के जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस ओर मेहनत करना चाहेंगे तो आप करेंगे। क्या बच्चों को जो भी पढ़ाएं उसको सिर्फ पढ़ाएं नहीं, बल्कि ये समझें कि हमारी बात बच्चे कितना समझ रहे हैं। अगर उसमें आपने कामयाबी हासिल कर ली तो बच्चों का विकास तो होगा ही, आपकी ख्याति भी होगी। बच्चे तारीफ करेंगे कि अमुक मैम, अमुक सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। इसे होगा फायदा है कि जब बच्चों का विकास होगा, अगल बगल के अभिभावक देखेंगे कि वहां जाने वाले बच्चे काफी तरक्की कर रहे हैं, काफी कुछ बुझाने लगा है, तो ऐसी स्थिति में आसपास के अभिभावक भी प्रभावित होंगे। और संघ मित्रा इंटरनेशनल स्कूल में निश्चित रूप से भेजेंगे, क्योंकि स्कूल चलाना, क्लास चलाना और ये देखना कि हमारे बच्चों का कितना अधिक निरंतर विकास हो रहा है या नहीं, मैं भी देख रहा हूं। बड़ी बड़ी इमारतों में जो स्कूल चल रहे हैं, अभिभावकों से सुनता हूं कि साल भर से मेरा बच्चा जा रहा है या मेरी बच्ची जा रही है, डेढ़ बरस हो गए, दो बरस हो गए, अभी बहुत कुछ नहीं बुझाता। इसका कारण है कि सिर्फ फोकस आप देख के वहां लिखा देते हैं, लेकिन वहां के शिक्षक
आपके बच्चों के प्रति मेहनत नहीं करते। रघुवान जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्वयं भी शिक्षकों पर निगरानी रखें, और जो यहां के जो प्रिंसिपल होंगे वो खास करके छोटे बच्चों को देखते रहेंगे कि कहां तक उनका विकास हुआ है। अगर के तक कोई बच्चा जानता है, ए से लेके के तक, तो टीचर पर दबाव बनाएंगे कि इसको एल एम एल का आना चाहिए, जेड तक इसको दो तीन दिन के अंदर आना चाहिए। निश्चित रूप से जब इस तरह से आप शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विद्यालय निरंतर अग्रसर होता रहेगा, विद्यालय का विकास होगा। अभिभावकों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि रघुवंश सिंह जी आपके बीच के हैं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप क्यों अपने बच्चे को देना चाहेंगे इस विद्यालय, इसलिए देना जरूरी है कि आपके बीच के हैं रघुवंश जी। आपके भीतर जो शिकायत होगी बच्चों को लेकर, आप सड़क पर भी टोक सकते हैं उनसे, उनको कह सकते हैं कि आपके विद्यालय में मैं अपना बच्चा भेज रहा हूं, उसका विकास नहीं हो रहा है। आप ऑफिस में आके कह सकते हैं, अगर बाजार में मिलेंगे तो आप बाजार में कह सकते हैं। ये दूसरे विद्यालय के डायरेक्टर और दूसरे विद्यालय के प्रिंसिपल से कहने की आप हिम्मत नहीं जुटाएंगे, इसलिए कि जो भी कुछ आप कहेंगे तुरंत कहेंगे कि आपको इस तरह की बात करनी है कि चुपचाप आप ऑफिस में आइए। लेकिन रघुवंश जी को आप कहीं भी कह सकते हैं कि वो, इसलिए कि वो आप अपने आपके घर के, और रघुवंश जी ही जैसे लोग आपके बच्चों का ख्याल रख सकेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप तमाम लोगों के लिए यह विद्यालय निश्चित रूप से जरूरी है आपके बच्चों के लिए। और साथियों एक बात मैं न कहूं तो बेईमानी हो जाएगी, समय भी नहीं है। इस स्कूल का नाम है संघमित्रा। सम्राट अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। सम्राट अशोक यानी मौर्य वंश के 10वें राजा थे, राजा बृहद्रथ। मैं उस कहानी को विस्तार से बताना नहीं चाहता, लेकिन इतना इंडिकेट करना जरूरी मैं समझता हूं कि बृहद्रथ की हत्या जब पुष्यमित्र शुंग ने की थी एक साजिश के तहत, और उसने ऐलान किया था कि एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के जो लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्रा देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज समाज में यही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बौद्धिस्टों को सर काटने वाला कोई दूसरा नहीं रहा होगा, आपका दुश्मन नहीं रहा होगा, आप और हम रहे होंगे। इसलिए कि वो बौद्ध भिक्षु हमारे और आपके घर छुपा होगा, अपना समझ के छुपा होगा, अपना परिवार अपना वर्ग समझ के छुपा होगा, लेकिन आपके अंदर स्वार्थ जगा होगा कि एक का सर काटेंगे तो 100 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, और इसीलिए आपने काटा होगा। और बौद्ध धर्म का जो नाश हुआ इसका कारण कोई दूसरा नहीं, आप और हम होंगे। यही मैं चेतना पैदा करने के लिए ये बात कही। आज भी आप ही के बीच में लोग विश्वासघात कर रहे हैं, आपको वही स्वर्ण मुद्रा का प्रलोभन दे रहे हैं लोग कि आ जाओ मेरी तरफ,
कुर्सी दे देंगे, मंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, और हमारे और आपके लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं और हम और आप जय जयकार करने में लगे हैं। वही दशा होगी जो कभी बौद्ध भिक्षुओं की हुई थी, वही दशा हमारी और आपकी भी होने जा रही है। साथियों, समय का अभाव है, इतनी ही बात कहकर मैं चार विषयों से अपनी बात समाप्त करता हूं कि सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।